अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करते हैं, उम्मीद करता हूं कि सब खैरियत से होंगे जी। आज के दिन का व्लॉग स्टार्ट करते हैं और सुबह हो चुकी है, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह काम सारे कर लिए और अहमद भी आ गया माशाल्लाह। अहमद भी आ गए हैं, कैसे हैं अहमद? ठीक ठाक हैं, तैयार हो गए? आज अहमद स्कूल जा रहे हैं और फिर कल छुट्टी है। चले भाई। अच्छा दोस्तों, देखें मैंने सफाई वगैरह तो कर ली थी अल्हम्दुलिल्लाह। आप ये देख रहे हैं कल रात को जो है मैंने यहाँ पर चूना भी डाल दिया है और किस तरह से सफाई हो रही है। अब ये जो है खूबसूरत का थोड़ा सा अब ये सफाई कर रही है अपनी पेट की, तो अभी ये आज गोबर पे आई हुई है। इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी क्योंकि अब ये एक हफ़्ता चल रहा है, इसी हफ्ते के अंदर बकरी जो है अपने पेट की सफाई भी करती है, गंद भी निकालती है। अब ये सफाई के प्रोसेस में आ चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह और बच्चे जो हैं वो नीचे की तरफ बैठे हुए हैं। पहला दिन है बच्चों के लिए, मैंने वैसे बच्चों के लिए देखा जाए तो पांचवा दिन है, लेकिन मैंने बच्चों को तीसरे दिन जो है लाइसोविट दे दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह लाइसोविट से वो बहुत बेहतर है, उनका पेट ख़राब नहीं हुआ है। तो जिस तरह से पाँच दिन में मैंने तीन बार उनको बच्चों को लाइसोविट दिया और अल्हम्दुलिल्लाह वो हज़म भी कर रहे हैं एक एक एमएल, और आप देख सकते हैं कि दाना भी खा रहे हैं, सब मस्ती में हैं, खेल कूद हो रहा है। चूना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ये एक टॉपिक है, इंशाल्लाह इस पूरे टॉपिक को, चूने के टॉपिक को मैं अलग से कवर करूँगा। लेकिन आप लोगों को बताऊँ, हफ्ते में दो बार या एक बार दो बार लाजमी आप लोगों ने चूना अपने जानवरों के शेड में ज़रूर डालना है और ये बहुत अहम है। और चूना कौन सा डालना है, कैसे डालना है, ये एक अलग ब्लॉग आएगा, उसमें मैं आपको पूरी डिटेल बताऊँगा इंशाल्लाह। तो आज का अल्हम्दुलिल्लाह काम सारे हो चुके हैं। इंशाल्लाह आपको साइनोकॉप B12, साइनोकॉप तो एक कंपनी का इंजेक्शन का नाम हो गया, लेकिन मैं फार्मूला आपको बता रहा हूँ, B12 का इंजेक्शन है जो आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा, उसके फ़ायदे क्या है और उसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। बकरा ईद के लिए भी हो गया, बकरियों के लिए, बकरा ईद के बकरों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और बकरियों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। वो किस तरह से फ़ायदेमंद है ये इंशाल्लाह आज की वीडियो में आप लोग जानिएगा, वीडियो पूरी देखिएगा। अगर आप लोग आज वीडियो पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें। इंशाल्लाह मुलाकात होती है आगे आने वाली वीडियो में। तो दोस्तों आप लोगों ने पूरी वीडियो देखना है, इंशाल्लाह बड़ी इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो होने वाली है। क्या इंजेक्शन मेरे हाथ में आप लोग देख रहे हैं, साइनोकॉप जी दोस्तों, ये है साइनोकॉप और ये B12 है, मल्टी वाइटामिन में इंजेक्शन आता है B12। ये B12 क्या करता है, ताकत देता है और डाइजेस्टिव सिस्टम को फास्ट करता है और रेड ब्लड सेल की ग्रोथ में फ़ायदा देता है। ये हमें अपनी बकरियों को और बकरों को, जो बकरियां गब्बन हो या बकरा ईद के लिए बकरे जो आप तैयार कर रहे हैं, उसमें हर हफ्ते 5-5 ml आप लगाएं, इंशाल्लाह उनकी भूख को भी खोलेगा, उनके अंदर फ्रेश ब्लड भी बनेगा। तो दोस्तों यह अभी हम जो है 5 cc लगाते हैं अपनी खूबसूरत को। जी दोस्तों ये मैंने 5 ml जो है साइनोकॉप ले लिया है, अब हम जो लगाते हैं आइए खूबसूरत को। अंदर आगे चलो, अंदर दिख रहा है। जी दोस्तों देखें, सिर्फ चंद सेकंड लगे हैं, 2 से 3 सेकंड लगे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये इंजेक्शन लगा दिया है। तो दोस्तों ये इंजेक्शन साइनोकॉप हो गया, आपको मैं जिस तरह से AD3E का मैंने आप लोगों को बताया था और आज साइनोकॉप का भी बता रहा हूँ, अपने जानवरों को जा बजा आप लोगों ने ये लगाते रहना है, हर 15 दिन में ले लें और जो बकरे ज़्यादा वीक हैं या बकरियाँ ज़्यादा वीक हैं उनको आपने हर हफ्ते लगाना है और खुसूसन जो है गब्बन बकरियाँ उनको तो आपने हर हफ्ते भी लगाना है। इसका फ़ायदा क्या है दोस्तों, एक तो देखें B12 का फ़ायदा है, B12 है और इसमें क्या होता है कि B12 के लिए हम लोग अक्सर क्या करते हैं, मेथी कोबाल के इंजेक्शन लेते हैं, वो 200 रुपये तक का इंजेक्शन हो चुका है और उसकी जगह अब अगर हम ये साइनोकॉप लें, ये तकरीबन 350-400 रुपये में आता है और ये होता भी बहुत ज़्यादा है, यानी 50 ml होता है, तो इसमें आपको पैसे भी अच्छे बच जाते हैं। और ये साइनोकॉप 250 का फार्मूला है, ये आपको B12 का फार्मूला बहुत सारे इंजेक्शन में मिलेगा, लेकिन मुझे इसका फ़ायदा होता है, कई साल से मैं ये यूज़ कर रहा हूँ ये वाला फार्मूला साइनोकॉप का B12। तो आप लोग भी इस्तेमाल करिएगा, इंशाल्लाह लाने चाहा आपके जानवरों को भी इससे फ़ायदा होगा।